मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर फर्टिलाइजर स्थित झुंगिया में भाजपा के दलित कार्यकर्ता अमृत लाल भारती के घर पहुंचकर खिचड़ी खाया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाजपा ने 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, जिसके तहत भाजपा के कार्यकर्ता अमृत लाल भारती के घर पहुंचकर खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में भाग लिया है तथा खिचड़ी खाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मिशन रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का यह सामाजिक क्षमता का प्रतीक सहभोज किसी भी दलित बस्ती में जाकर करना तथा किसी अनुसूचित जाति के घर में जाकर के सहभोज और उनके साथ विभिन्न योजनाओं की चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कोविड नियमों को पालन करते हुए सीमित मात्रा में किया गया है तथा इसके लिए कार्यकर्ताओं को व जनमानस को भागीदारी नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है राष्ट्रवाद, सुशासन व विकास, उसका यह उदाहरण है। इसमें भेदभाव की भावना को समाप्त करने का संकल्प बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्ष के दौरान केंद्र के सरकार ने व पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाओं व समाज के हर एक व्यक्ति को दिया है तथा आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों का एक एक आवास बना तथा 2,61,00,000 गरीबों को घरों में शौचालय बने हैं तथा 1,56,00,000 परिवारों में रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है तथा 1,43,00,000 परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिला है तथा पहली बार उनके घरों में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना सदी का सबसे बड़ी महामारी है तथा इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था करना तथा फ्री में सबको वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार का डबल डोज है तथा नागरिकों को महीने में 2 बार राशन फ्री दिया जा रहा है तथा 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन का लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। यह विकास को भी अपने साथ जोड़ता है तथा समाज के हर एक व्यक्ति के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है, जिसके तहत भाजपा पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता अमृत लाल भारती को और उनके परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने खिचड़ी सहभोज पर आमंत्रित किया था तथा वह लगातार यहाँ पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं तथा विकास के मुद्दों का हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा कार्यकर्ता अमृत लाल भारती, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप खाना बना रहे हैं? हाँ सर जी। वो ठीक है, आप लोग यहाँ गाड़ी आ रही है। अब आप लोग तय करो। कान
अमृत लाल भारती। क्या आप पार्टी की? नहीं, सदस्य हैं। घर पे खिचड़ी में आम करते हैं, क्या करते हैं, कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी हमारे घर पे आए, खाने भोजन किए, खिचड़ी खाएं, और मैंने इससे हमारे परिवार के भी लोग खुश हैं, पूरे गांव के भी जो लोग हैं, जो यहाँ स्थानीय थाना पदाधिकारी हैं, भाजपा के या कार्यकर्ता, सभी लोग खुश हैं। क्या कुछ बात नहीं हुई है, क्या कहा उन्होंने? अब यही बधाई दिए हैं, विकास की बात किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? पूरे बहुत 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 खुशी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग समझ लीजिए मेरे घर आए, अभी इतिहास बन गया, समझ लीजिए हम कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। आज महाराज जी ने मतलब भारतीय घर पे खिचड़ी में आमंत्रण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सभी शक्ति केंद्रों पर आज खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम सभी गरीब बस्तियों में आयोजित होना है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मानवेला में अमृत लाल भारती जी के आवास पर आ जाए, उनके आमंत्रण पर, और खिचड़ी सहभोज किए। निश्चित ही जो पूज्य बड़े महाराज ने जो एक अभियान चलाया था सामाजिक समरसता का, उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज इस सहभोज के कार्यक्रम में खिचड़ी भोजन लेने के लिए यहां पर अमृत लाल भारती जी के घर आए। हम सभी गौरवान्वित हैं ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मकर संक्रांति है। हेलो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, और इसीलिए आज मैं यहां पर आया हूं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना, और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के, छूत और स्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हरेक गरीब को, हरेक गांव को, हरेक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक एक आवास बने हैं, 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं, 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिले हैं, 1,43,00,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई है, पहली बार उनके घरों में निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे हैं, प्रदेश के अंदर 9 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष
स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था करना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में दो बार राशन फ्री। 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही समतामूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहां पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं, विकास के मुद्दों पर यहां पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी सह भोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं।